बराबर खाते हैं। कैसा टेस्ट होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा। कितना बनाया जा रहा है? हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज राज एंड मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राइट नाउ अभी हम हैं धनबाद के गोल्ड ग्राउंड में। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं धनबाद के टॉप एरिया का स्ट्रीट फूड, जो कि मात्र हम खाने वाले हैं 10 रुपए में। और आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में पता चलेगा कि हम कौन से लोकेशन पे हैं, कहां पर क्या क्वांटिटी मिलती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। अपने इंस्टा आईडी पे हमें फॉलो नहीं किया तो यहां पर इंस्टा आईडी आ रही होगी, जाकर फॉलो करिए। तो हमारा बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो बिना देर के आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। चलो तो बिना देरी के हम निकलते हैं अपने मिशन की ओर। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हीरापुर के लोकेशन। मेरे हाथ में है 10 रुपया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मात्र 5 रुपए में आपको समोसा मिल रहा है। 5 रुपए में समोसा। समोसा की क्वालिटी दिखाते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं उसका स्वाद। तो आइए पहले से मेकिंग प्रोसेस यहाँ दिखाते हैं। आइए इधर आइए, समोसा की मेकिंग चल रही है। जो इनका काउंटर है, काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर और इस भीड़ में हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का समोसा। मात्र 5 रुपए में समोसा यहाँ पर मिलता है। तो चलिए भैया हमारे लिए प्लेट लगा दिए समोसा का। पहला हमारा मिशन जो है कामयाब हो गया। हमें मात्र 10 रुपए में हम नाश्ता करके दिखा रहे हैं धनबाद के हीरापुर में। आपको लोकेशन बता देता हूँ, धनबाद की पुलिस लाइन है और ये हीरापुर वाला ही रास्ता है। तो ये देखिए हमारे हाथ में आ गया गर्मा गर्म समोसे। तो पहले हम यहाँ पर बैठ के ट्राई करेंगे। गाइस आइए, दिख रहा होगा तो जो फील किया गया है, ये आलू है पूरा भरा हुआ और क्वालिटी काफी अच्छी है, तभी तो लोग ज्यादा खा रहे हैं इसे। अब हम ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। समोसा आलू जिसकी है प्रॉपर स्वाद आ रहा है मसालों का। मात्र 5 रुपए में एक समोसा मिल रहा है, उस हिसाब से मुझे टेस्ट यहाँ का अच्छा लगा। देखा जाए तो 10 रुपए में ये नाश्ता आपके लिए इनफ हो जाता है, क्योंकि आप अगर 2 समोसे खाते हैं तो आपका पेट बिल्कुल फूल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि 2 समोसे के अलावा आपको कुछ खाने का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ है यहाँ पर आइटम। बाकी हमारा जो समोसा है काफी क्रिस्पी है, पटाखे से खत्म करते हैं और फिर हम चलेंगे दूसरे लोकेशन पे, वहाँ का स्ट्रीट फूड भी आपको ट्राई करके लगाएंगे। तो वीडियो को बने रहिए। हाँ बराबर खाते हैं। बराबर खाते हैं। कैसा टेस्ट होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा, काफी अच्छा है, टेस्ट काफी अच्छा है। हमेशा खाते हैं यहाँ पर रेगुलर। हाँ जब तक यहाँ ड्यूटी रहता है तब तक। काफी क्राउड है, काफी भीड़ है यहाँ पर। क्या क्या होता है भैया यहाँ पर आपके पास? समोसा, पकौड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर समोसा बनाया जा रहा है। तो कितने बजे से दुकान ओपन होता है? 2 बजे। 2 बजे? 2 बजे से कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पर? रात 9 बजे। रात 9 बजे तक। क्या कितना क्वांटिटी यहाँ पर होता है समोसा? एक बार में तो भैया 150 निकलता है। अच्छा 2 बजे से जब स्टार्ट करते हैं। तो इनका दुकान का नाम आप देख सकते हो लॉकडाउन समोसा वाला। तो 10 रुपए में हमने नाश्ता कर लिया और आप ले लीजिए भैया पैसा। तो यहाँ पर हमने ट्राई किया यहाँ का समोसा, जो कि काफी क्रिस्पी था, फीलिंग काफी अच्छी थी। अब हम चलेंगे दूसरे लोकेशन पर, वहाँ का फूड ट्राई करके टेस्ट बताएंगे। तो वीडियो बने रहिएगा। हम आ चुके हैं अभी हीरापुर का मेन बाजार है ये। यहाँ पर मिल जाएगा दही वड़ा 10 रुपए में, कांजी वड़ा 10 रुपए में, इडली 10 रुपए में। तो कब से आप ये स्टॉल चला रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से इसी रास्ते में रहते हैं। अभी हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं इडली यहाँ का। इडली देखकर काफी अच्छा लग रहा है, तो इडली हम यहाँ का ट्राई करते हैं। लगाइए हमारे लिए प्लेट इडली। हमारा दूसरा फूड हो रहा है मात्र 10 रुपए में। तो चलिए फटाफट ट्राई करके आपको टेस्ट बताते हैं। लोकेशन आपको कुछ बता देता हूँ, ये हीरापुर का मेन बाजार है और ये जो रास्ता है काली मंदिर से जो गली निकल के आ रही है वो सीधा जा रही है ये हरी मंदिर के साइड में, उस रास्ते में हम खड़े हैं। और ये भैया इसी रास्ते में अपना स्टॉल लगाते हैं, मीठा डालिए। तो आप एक बार सामने आके देखिए कौन कौन से फ्लेवर की चटनी है। ये कौन सी चटनी? हरी वाली भैया? हर मिर्चा का। ये मिर्चा का चटनी और ये लाल वाला? गुड़ का है। अच्छा गुड़ का चटनी। अब हम फटाफट से ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। 10 रुपए में 2 नाश्ता, वाह टेस्ट बहुत ही ज्यादा औसम है। साथ में जो चटनी उसमें डाला गया है उसका पूरा फ्लेवर आ रहा है, मीठी चटनी का फ्लेवर आ रहा है
और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे खाकर। ये हमारा चैलेंज का दूसरा फूड है जो कि कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और क्या कुछ यहाँ पर 10 रुपए में अवेलेबल है सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखने वाला है, तो वीडियो बने रहिए। चलिए इसे फटाफट से खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जय वर्रा बोलो, मजा आता है, मजा आता है। 10 रुपए में इतना कुछ खिला रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, एक नंबर है। 10 रुपए में गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अंकल काफ़ी तेज़ी से इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जलेबी बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर देखिए ये चीनी का जो पाग होता है उसमें इस जलेबी को डाल दिए अंकल, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। उसका जो कलर है जलेबी का एकदम परफेक्ट लग रहा है। और अब हम इसे ट्राई करने जा रहे हैं, तो जल्दी से इसे ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बता दें। देखिए ये वजन हो गया जलेबी, वजन के हिसाब से यहाँ पर जो 10 रुपए का हमने ख़रीदा है यहाँ पर जलेबी, ये वजन के हिसाब से मिला है। और क्वांटिटी 10 रुपए में मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये जो जलेबी की क्वान्टिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर 10 रुपए में। 6 पीस जलेबी थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा खाकर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। 10 रुपए में हमारा जो मिशन था 10 रुपए का वो यहाँ पर होता है कम्प्लीट। इधर आइए दिखाता हूँ मैं। 10 रुपया भाई, हमने लगभग 3 आइटम पे ट्राई कर लिए और चौथे आइटम भी खोज में लगे हुए हैं। अभी हम सिटी सेंटर में धनबाद के और यहाँ से अभी आगे बढ़ रहे हैं, बिहार बांध के साइड में जा रहे हैं। देखते हैं और कुछ मिलेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी हम परेशान हो गए, लगभग आधे घंटे से हम खोज रहे हैं क्योंकि समय और 10 रुपए का मिल रहा है जिसे हम आपको दिखा पाए। लेकिन हमने धनबाद में दिखाया आपको मात्र 10 रुपए में चैलेंज करके। 10 रुपए का जो जनरेशन है वो अब बहुत पीछे जा चुका है, लेकिन इस 10 रुपए से हमने यहाँ पर 3 ऐसे फूड ट्राई किए जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा औसम था। 30 रुपए मैंने टोटल खर्च किए अपने इस नाश्ते के लिए, शाम के नाश्ते के लिए, और 30 रुपए में मेरा पूरा पेट फुल हो गया। और 30 रुपए में मुझे जो भी आइटम मैंने ट्राई किया वो वर्थ इट था मेरे लिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारा इंस्टाग्राम आईडी यहां पर आ रहा होगा उसे भी जाकर फॉलो करिए। रेगुलर अपडेट देता रहता हूं कि कौन सी वीडियो आने वाली है, तो उसे भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। मैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।